सो गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है? तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे चलते हैं। अब उसमें अगला टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये 114वां लेक्चर है, 114। इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तीन तरह का होता है, आई, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये जो आई है ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दो है ये, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह का हम लोगों को पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप भी दो तरह का, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। मतलब ऐसा टेलीस्कोप होगा जिसमें रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बनता होगा और इसमें रिफ्लेक्शन के कारण बनता होगा। रिफ्रैक्टिंग टाइप तीन तरह का, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरिस्ट्रियल, गैलीलियन। लेकिन ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों नहीं है, केवल एस्ट्रोनॉमिकल है एनसीईआरटी में। लेकिन ये जो दोनों है वो बेसिकली यही है, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत थोड़ा सा माइनर चेंज, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसको पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो टेरिस्ट्रियल है या गैलीडियन है वो उससे कैसे डिफरेंट है। हम लोग मार्केट में जो टेलीस्कोप देखते हैं, आप कभी मेला घूमने जाते होंगे तो वहां जो टेलीस्कोप देखते हैं वो गैलीडियन टेलीस्कोप ही होता है, जिसमें कि दूर का चीज आपको बड़ा दिखता है, वो छोटा सा ट्यूब में दो लेंस लगा होता है, उसी से हम लोग देखते हैं, तो वो गैलीडियन टेलीस्कोप ही होता है। इसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दो तरह का होता है, एक न्यूटोनियन और एक कैसेग्रेन। ये दो तरह का, तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा है, और सबसे बड़ी बात कि ये टॉपिक जेई एडवांस में नहीं है, ये मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन जेई मेन में है, मेडिकल में है और ट्वेल्थ में भी है, तो टॉपिक तो पढ़ना ही है हम लोगों को। और थ्योरेटिकल है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार बात को समझ लेंगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है आई, ये आई का कंस्ट्रक्शन दिखाया है। ये आई का जो कंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली बायो का टॉपिक हो गया, आप कह सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बायो भी पढ़ लेते हैं। ये आई का कंस्ट्रक्शन है, आई जो है एक स्फीयर है, अप्रोक्सीमेटली 1 इंच रेडियस का, 1 इंच रेडियस का एक स्फीयर है। ये जो आई है इसका जो कंपोनेंट है, अलग अलग पार्ट है, उसमें सबसे पहला आता है कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट आता है कॉर्निया। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है आई का, आपके आई का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये शटर जो है उसके अंदर जो आई है उसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कॉर्निया कहते हैं, ये वाला पार्ट कॉर्निया। इस कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया का काम है कि लाइट को आई में अलाउ करना। कॉर्निया जो है वो लाइट को अलाउ करता है, बाकी और किसी चीज को अलाउ नहीं करता आंख के अंदर, जैसे हवा को अलाउ नहीं करता है, डस्ट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है, ये सबको रोक लेता है। और ये जो कॉर्निया है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सब चीज को रोक लेना और लाइट को केवल जाने देना, और साथ साथ ये जो कॉर्निया है जो कि गॉड मेड है, भगवान इसको बनाए हैं, इसका खास प्रॉपर्टी है कि ये कभी इसमें स्क्रैच नहीं लगता है, ये स्क्रैच फ्री है। पूरे लाइफ 100 साल तक आदमी जनरली जीता है तो उस पूरे लाइफ में ये कॉर्निया स्क्रैच फ्री होता है, इसमें स्क्रैच नहीं लगता। कॉर्निया का काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग अगर कार में बैठे हैं तो फ्रंट जो स्क्रीन है, आगे वाला जो ग्लास का स्क्रीन है, उसका काम क्या है कि डस्ट पार्टिकल को रोकना, हमारे आंख में नहीं आने देना। लेकिन हम लोग आज तक ऐसा कोई भी स्क्रीन नहीं बना पाए जिसमें कि स्क्रैच नहीं लगे। तो ये गॉड मेड स्क्रीन है जो कि सबसे फ्रंट वाला पोर्शन है। और एक बात और कि अगर किसी का आई ट्रांसप्लांट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आई अपना डोनेट कर दिए, तो ये पूरा आई बॉल डोनेट नहीं होता है, डोनेशन केवल इस कॉर्निया का होता है।
कॉर्निया जो है वो आप एक दूसरे को दे सकते हैं, बाकी और कोई भी चीज आप दूसरे को नहीं दे सकते, बाकी और कोई भी चीज दूसरे का यूजफुल नहीं है। तो आई डोनेशन का मतलब कॉर्निया का डोनेशन। ये कॉर्निया बेसिकली सबसे फ्रंट में एक स्क्वायर मिलीमीटर का ये वाला पोर्शन है जिसको कि आप डोनेट कर देते हैं जनरली लोग मरने के पहले, मतलब अभी जिंदा ही है और अपना आई डोनेट करके आ जाए, तो आई डोनेट करके आ जाए मतलब अपना कॉर्निया डोनेट, पूरा ऐसा नहीं कि मरने के बाद आपका पूरा आई निकाल करके उसको दे देगा और यहां पर सेट कर देगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आई जो है, आई इस आई का जो बाकी पार्ट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, दूसरे को आप नहीं दे सकते। चलिए आगे आते हैं दूसरा कंपोनेंट पर। ये सब कंपोनेंट है आई का जो कि हम आपको समझा रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट है आई रीच। ये वाला जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट, इसको आई रीच कहते हैं। आई रीच वैसे हम आपको समझाए तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है, जैसे आंख जो किसी का आप देखेंगे तो व्हाइट होता है, उसके बाद ब्लैक होता है, उसके बाद बीच में बिल्कुल ब्लैक होता है, तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको आई रीच कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आई रीच। और ये जो होल है, होल, इसको प्यूपिल कहते हैं, ये होल। अब जैसे आई अगर किसी का आप देखें तो ब्लैक वाला पोर्शन जो ब्लैक जैसा दिखता है वो आई रीज है। ये किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रे होता है, नीली आंखों वाली, तो अलग अलग कलर का हो सकता है। किसी का आंख जो है वो किस कलर का है वो डिसाइड ये आई रीज करता है, क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि कलर को डिसाइड करता है। इसका काम क्या है सर? आईरिज का काम है प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करना। प्यूपिल का मतलब जो होल, जो बिल्कुल ब्लैक है। ब्लैक क्यों है? क्योंकि उससे लाइट इंटर कर सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है। कोई भी चीज आपको ब्लैक कब दिखता है? जब उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो तो वापस नहीं आए तो वो ब्लैक दिखता है। तो ये प्यूपिल जो है, प्यूपिल ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल ब्लैक 100% ब्लैक। ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल ब्लैक नहीं होता है, लेकिन हाँ ये भी ब्लैक होता है या ग्रे होता है या दूसरे दूसरे कलर का होता है। इस आईरिज का काम क्या है कि लाइट को कंट्रोल करना। जब आप ऐसे जगह पर हैं जो कि लाइटेड है, जहां पर लाइट ज्यादा है, तो ये आईरिज अपने साइज को बढ़ा लेता है जिससे प्यूपिल का साइज घट जाता है। तो कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ लाइट आपके आंख में गया। और अगर ऐसे जगह बैठे जैसे सिनेमा हॉल में बैठे हैं तो वहां पर लाइट कम होता है, क्योंकि लाइट तो केवल जलता है, बाकी तो सब बंद रहता है ना, सिनेमा जब देखने जाते हो तो लाइट वहां पर कम होता है, तो प्यूपिल जो है, ये आईरिज जो है वो प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है जिससे कि क्वांटिटी ऑफ लाइट आपके आंख में जाना जाए। तो इसका काम यही है कि कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ लाइट को आई में भेजना। अब सवाल यह है कि सर कंट्रोल क्वांटिटी क्यों भेजा जाता है? आप देखो जब कोई फोटोग्राफ आप लेते हैं फोटो, तो उस फोटोग्राफ में अगर बहुत ज्यादा लाइट है तब फोटो ले तो वो खराब आता है, या बहुत कम लाइट है तब फोटो ले तब भी वो खराब आता है। तो फोटोग्राफ के लिए एक पर्टिकुलर लाइट होना जरूरी है। उसी तरह से आई को कोई चीज देखने के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी ऑफ लाइट चाहिए, ना तो उससे बहुत ज्यादा चाहिए या ज्यादा चाहिए, ना उससे कम चाहिए। तो ज्यादा या कम को कंट्रोल करता है आईरिज, इसका काम यह है। आप देखते होंगे कि जब जैसे सिनेमा देख रहे हैं, तो सिनेमा देख रहे हैं तो वहां पर आसपास का जो टेबल कुर्सी है वो कुर्सी शुरू में जब जाते हो तो नहीं दिखता है, जब अंधेरा रहता है तो, और कुछ देर के बाद जब सिनेमा चलने लगता है तो कुछ देर के बाद सब दिखने लगता है। कारण यही है कि जैसे ही आप सिनेमा हॉल के बाहर से सिनेमा के अंदर गए, तो जब बाहर में थे तो वहां तो लाइट ज्यादा था, तो आईरिज जो है वो प्यूपिल के साइज को छोटा किए हुए था। ये जो एंट्री गेट है लाइट का वो छोटा था, लेकिन जैसे ही सिनेमा हॉल में घुसे तो एंट्री गेट तो पहले छोटा ही था, वहां घुसे तो थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आईरिज को इसको थोड़ा टाइम लगता है इसको बढ़ाने या घटाने का। तो जैसे ही अंदर जाओगे तो एकदम चंगभंग हो जाओगे कि कोई चीज दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर सब चीज दिखने लगेगा। इसी का अपोजिट
सिनेमा हॉल जब सिनेमा देख करके बढ़िया बाहर निकले, बाहर अगर कड़ी धूप है जैसे ही बाहर निकलोगे तो आंख जो है अपने आप बंद हो जाए। बंद इसलिए हो जाता है कि अंदर में आईरिस जो है वो अपने साइज को, ये पिपल के साइज को बड़ा कर दिया था, लेकिन जैसे ही बाहर गए तो उस बड़े क्वांटिटी ऑफ साइज से अब लाइट इंटर करने लगा, तो तुम्हारा आंख जो है उसमें सही इमेज नहीं बन पाया। आंख क्या है, इमेज ही तो बनाता है, तो वो सही इमेज नहीं बना पाया। तो सही इमेज नहीं बना पा रहा है, अच्छा इमेज नहीं बना पा रहा है, तो क्या होता है, ये फ्रंट जो शटर है वो बंद हो जाता है। बंद हो गया, फिर खुला, फिर बंद हो गया, फिर खुला, फिर बंद हो गया। तो इससे दो तीन बार बंद खुलने होने से जितना टाइम मिलता है उस उतने टाइम में वो आईरिस उसके साइज को छोटा कर देता है, और छोटा छोटा करते करते फिर जितना क्वांटिटी ऑफ लाइट चाहिए उतना क्वांटिटी फिर इंटर करने लगता है। उसके बाद लेंस, ये वाला पार्ट लेंस है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों का रेडियस सेम हो ऐसा नहीं है लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। और ये जो लेंस है ये चूंकि सेल का बना होता है तो ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, ये ऐसे ऐसे दबाएंगे तो ये बड़ा छोटा हो सकता है। हम लोग जो लेंस बनाते हैं ये बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ये कांच का है, इसको दबाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये गॉड मेड लेंस है, ये बड़ा छोटा हो सकता है, मतलब ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। ये लेंस जिस मसल से कनेक्टेड होता है, ये वाला, ये लेंस हो गया, ये जिस मसल से कनेक्टेड है दोनों तरफ इधर और इधर, इसको सिलियरी मसल कहते हैं। सिलियरी मसल, सिलियरी मसल का काम है इस लेंस को ये दबा सकता है या इस लेंस को एक्सपेंड कर सकता है। लेंस को दबाने या एक्सपेंड करने का वजह है, क्योंकि जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस जो है वो रिलैक्स, मतलब ये सीरियली मसल जो है वो रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, आई रिलैक्स्ड होगा। लेकिन जब नजदीक का कोई चीज देखना है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय नजदीक का चीज देखना होता है, तो उस समय आई का पावर सबसे ज्यादा चाहिए, तो सबसे ज्यादा पावर करने के लिए सिलियरी मसल इसको दबाता है। दबाने से इसका फोकल लेंथ घट जाता है तो पावर घट जाता है, तो ये सिलियरी मसल इस आई के फोकल लेंथ को चेंज करता है, मतलब वो इसको कंट्रोल करता है इसके फोकल लेंथ। अब जिसका सिलियरी मसल कमजोर हो जाता है, बुढ़ापा में तो जनरली सबको कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर बचपन में या जवानी में सिलियरी मसल अगर कमजोर हो जाता है तो आपका आई जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा, तो वो डिफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाइए अगला, एक्वस ह्यूमर। दो लिक्विड होता है, लेंस के एक इधर इस तरफ और लेंस के इस तरफ, तो इस तरफ जो लिक्विड है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस, और इस तरफ जो लिक्विड है यहां पर इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये दो लिक्विड है, ठीक है। अगला आइए, ये जो पोर्शन है इसको रेटिना कहते हैं, ये वाला रेटिना स्क्रीन जैसा काम करता है, स्क्रीन जैसा, स्क्रीन करने का मतलब, लेकिन ये जो रेटिना है इस रेटिना में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल को जज करता है। जब इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होगा, जब लाइट इंसिडेंट होगा तो इसमें एक सिग्नल जनरेट होगा, और ये जो यहां से ये जो नर्व्स है, ये सब नर्व्स यहां रेटिना से बहुत छोटा छोटा पतला पतला नर्व्स इसमें जाता है, और ये जो है फिर ब्रेन में चला जाता है। इस वाले को ऑप्टिक नर्व कहते हैं, दिस इज ऑप्टिक नर्व, और इस वाले पॉइंट को ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को येलो पॉइंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड येलो पॉइंट। तो येलो पॉइंट जो है वो रेटिना का ही एक पॉइंट है। अब रेटिना के बारे में जरा सुन लीजिए, रेटिना जो है उसका काम, जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं कि जब किसी मेटल पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसी तरह से जब रेटिना पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो उसके सेल, उसका जो सेल है रेटिना का, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर निकलता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिफरेंट नर्व्स के थ्रू,
डिफरेंट नर्व्स के थ्रू, पतला पतला नर्व्स के थ्रू ये मेन नर्व्स में आता है और यहां से फिर ये ब्रेन में सिग्नल जाता है, तो ब्रेन फिर फील करता है। ये जो ऑप्टिक नर्व है इसमें ब्लड फ्लो नहीं करता है, इसमें ये जो सिग्नल यहां पर जनरेट हुआ वो सिग्नल इसमें जाता है। ये जो पॉइंट है इसको येलो पॉइंट और इसको ब्लैक पॉइंट कहते हैं। ब्लैक पॉइंट क्योंकि यहां पर कुछ पार्ट है नहीं, इससे इधर रेटिना है, इससे इधर भी रेटिना है, यहां पर रेटिना का पार्ट नहीं है। तो रेटिना का पार्ट नहीं है तो यहां पर अगर इमेज बनता है तो वो नहीं दिखेगा, इसलिए उसको ब्लैक पॉइंट कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको येलो पॉइंट कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी इमेज आप बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा इस येलो पॉइंट पर ही बनाते हैं। अब जरा इसको ऐसे समझो कि आई जो होता है, ये आई सबसे पहली बात को आई का एक्सिस ऐसे दिखाएं, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाएं। आप जब रिलैक्स्ड होते हैं, रिलैक्स्ड, तो आपका आई का जो पोजीशन है वो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसका मतलब ये जो आई बॉल है उसको रोटेट करना पड़ता है ऐसे, तो उसमें आपको भार पड़ता है। आई का नेचुरल जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे, नेचुरल एक्सिस। तो आप जब खड़े होते हैं तो आपका आई नीचे होता है, जब आप चलते हैं तो चलने में रोड देखते हैं तो आई जो है सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। लेकिन जब आप टीवी देखते हैं, यहां पर टीवी लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो आई रिलैक्स नहीं होता, आई का जो मसल है वो इसको ऐसे रोटेट करके रखता है। और अगर टीवी आप ऊपर लगा दें तो ऐसे करके देखिए तो आप थोड़ा देर में थक जाइए। जब आप घर में कभी भी टीवी देखें और लेट तक, देर तक टीवी देखना है, ऐसा अगर शौक है आपका, तो आप टीवी का जो लेवल है टेलीविजन का वो आपके बैठने आई लेवल से नीचे होना चाहिए। जहां पर आप सोफा पर बैठते हैं तो सोफा में अपना आई लेवल आप देख लीजिए, उस लेवल से टीवी का पोजीशन नीचे होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लोग जो है उसको ऊपर लगा देता है। क्यों भाई, तो झाड़ू पोछा ये सब देने में बड़ा दिक्कत होता है, ऊपर रहे टंगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग तो साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स बायो सब पढ़ते हैं, तो इसमें आप अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं कि टीवी का लेवल जो है वो आई लेवल से नीचे होना चाहिए, क्योंकि आई का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे होता है। तो इस पोजिशन पर आई हमेशा रिलैक्स होता है, तो आप ज्यादा देर तक टीवी देख सकते। जैसे जैसे टीवी आप ऊपर लगाएंगे वैसे वैसे आपको आई बॉल को भी रोटेट करना पड़ेगा, सर को भी रोटेट करना पड़ेगा। तो आई बॉल को रोटेट करना पड़ेगा तो उसका मसल जो है वो ज्यादा काम करेगा, तो जल्दी थक जाएगा। अब दूसरा बात ये है कि ये जो पॉइंट है इसको येलो पॉइंट कहते हैं। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, जब आप बोर्ड पर देखते हो या हमको देखते हो या किसी को भी देखते हो तो आप एक बार में हर चीज को नहीं देखते। आप ध्यान से देखिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो पहले आप ओ दिखता है, फिर पी टी आई, ये ऑप्टिकल पढ़ रहे हो तो क्या ये ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप एक साथ इसको और इसको नहीं देख सकते। आई जो है वो एक बार में केवल एक पॉइंट को देखता है, एक पॉइंट को। ये ओ को आप देख रहे हैं तो ओ का भी एग्जैक्ट अगर कहे तो कोई एक पॉइंट किसी समय दिखता है। तो ये जो पॉइंट है, अगर जिस पॉइंट को ये आई देख रहा है, इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का इमेज यहां पर बनता है तब ये पॉइंट दिखता है। अब अगर इसके ऊपर या इसके नीचे कोई पॉइंट है तो उसका भी इमेज इससे नीचे इससे ऊपर बनेगा, तो वो भी दिखेगा धुंधला धुंधला, मतलब थोड़ा कम उससे, लेकिन एग्जैक्ट ये पॉइंट दिखेगा। आप अगर कोई वर्ड ऐसे पढ़ रहे होते हैं, आप जर पढ़ करके देखिए, तो ऑप्टिकल जब पढ़ रहे होते हैं तो ओ वाला पॉइंट दिखा, फिर टी टी आई, ऑप्टिकल जब पढ़ रहे हैं तो ओ के साथ साथ टी नहीं दिख जाता। लेकिन ये ऐसा कुछ लगता है कि लिखा हुआ है, मतलब यहां से भी रे तुम्हारे आई में जा रहा है लेकिन वो इस येलो पॉइंट पर नहीं पड़ रहा है। येलो पॉइंट पर जहां से रे जा रहा है वो जब पड़ेगा तब वो सबसे क्लियर दिखेगा, इसलिए इसको येलो पॉइंट कहते हैं। ब्लैक पॉइंट पर जब कोई रे पड़ेगा तो नहीं दिखेगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो कोई चीज ढूंढ रहे हैं और आपके सामने रखा है लेकिन आपको नजर नहीं पड़ा, ऐसा कभी होता है?
कभी चाबी गिर गया या कोई चीज, पैसा कहीं रख दिए, वॉलेट कहीं रख दिए, घड़ी कहीं रख दिए, चश्मा कहीं रख दिए, चश्मा तो हर दिन एक बार लोग भूलता ही है, घड़ी भी भूलता है, हर रोज इधर उधर कहीं कहीं रख दिया। तो जब आप जहां रखते हैं वहां जाते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर आ जाते हैं, अरे वहां तो था, रखे थे, वहीं नहीं मिला। ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि जब आप वहां देखें तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपके ब्लैक पॉइंट पर जब बन जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये केस होता है। तो आई के बारे में ये सारा कंस्ट्रक्शन था, इसका डिफरेंट कॉम्पोनेंट है, आप लोगों का ये होमवर्क है, आप इस डायग्राम को ढंग से ड्रॉ करें और इस सब के बारे में एक एक लाइन लिखें, एक एक लाइन लिखें। वो हम एक नोट्स आपको दे देते हैं, उससे आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद इसको एक एक लाइन लिखिए, ठीक है? तो वो नोट्स हम पहले आपको एक बार देते हैं। ये आई पर नोट्स है, इसका नोट्स एक बार बना ले, क्योंकि ये ट्वेल्थ में पूछा जाता है। आई का जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट है उसके बारे में ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन लाइन आप लिख लीजिए, आई पर नोट्स आपको पूछा जाएगा। तो आई के बारे में हम लोग जो है जान लिए डिफरेंट कॉम्पोनेंट के बारे में। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं एकोमोडेशन। अब यहां से आइए फिजिक्स पर। फिजिक्स में बाकी सब चीज के बारे में नहीं, हम लोगों को इस लेंस के बारे में पढ़ना है। अभी तक बायो पढ़ रहे थे, ये जो लेंस है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस लेंस को हम अलग से दिखा दिए। इस लेंस का रेडियस दोनों तरफ का तो सेम नहीं होता है, हम आपको समझाने के लिए सपोज करो इसका रेडियस आर मान लेते हैं। तो किसी भी लेंस का जो है, ये जो आई का लेंस है, इसका फोकल लेंथ अगर लिखें तो कितना होगा? फोकल लेंथ होगा 1/fh μ − 1 / r₁ − 1/r₂। r₁ r₂ को अगर बराबर ले लें तो f का वैल्यू हो जाएगा μ − 1 / 2 r। f इज इक्वल टू r/2 μ − 1। ये तो हम लोग पहले से जानते थे। अब देखो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके अंदर जो मटेरियल है उसका, ये जो f है वो r पर डिपेंड कर रहा है। सीलियरी मसल जो होता है, ये सीलियरी मसल, ये इस लेंस को अगर दबाएगा, दबाएगा तो क्या होगा, इस लेंस का शेप ऐसा हो जाएगा। दबाने से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो घट जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगा। पहले जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर था, रिलैक्स्ड आई में रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर है और उसको हम दबाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाने से फोकल लेंथ घट जाएगा और फोकल लेंथ घट जाने से पावर बढ़ जाएगा। यानी सिलियरी मसल अगर इस दोनों एंड को दबाता है तो लेंस का पावर बढ़ जाता है। अब ये जो लेंस है, कुछ जैसे आप आई लेंस आप पहने हैं, आपके पास आई है सॉरी, और वो आई जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट है तो उसको भी देख सकता है और इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है उसको भी देख सकता है। तो कोई भी जो नॉर्मल आई है, हम ऐसे नॉर्मल आई की बात करते हैं, अभी सीलियरी मसल इसको दबा नहीं रहा है, ये सपोज करो एक नॉर्मल आई है, रिलैक्स्ड आई, तो उसका ये नियर पॉइंट है और ये फार पॉइंट है। नियर पॉइंट किसको कहते हैं? डेफिनेशन लिख लीजिए नियर पॉइंट का। नियर पॉइंट कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी इज कॉल्ड नियर पॉइंट। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। दिस नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल आई, इसको हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर विजन के लिए सबसे लिस्ट डिस्टेंस है, इसको डी से भी लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई डिफेक्टिव आई है तो ये नियर पॉइंट बढ़ जाएगा। उसी तरह से फार पॉइंट क्या है?
फार पॉइंट का डेफिनेशन लिखो, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ नॉर्मल ह्यूमन सॉरी द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी. अब नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी फॉर नॉर्मल आई. लेकिन अगर कोई डिफेक्टिव आई है तो उसके लिए इसका वैल्यू इंफिनिटी से कम हो सकता है. अब उस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप यहां पर रखें या ऑब्जेक्ट को आप यहां पर रखें, इंफिनिटी से लेकर के डी तक कहीं पर भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो ये आई जो है उसका इमेज कहां पर बनाएगा, रेटिना पर. आई और रेटिना के बीच का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए. किसी के लिए बड़ा छोटा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये 2.5 सेंटीमीटर लिया जाता है. इसको हम आई को लेंस को यहां दिखाए हैं, रेटिना को हम यहां ऐसे दिखाए, ये डिस्टेंस 2.5. तो आई के केस में क्या है कि लेंस एंड इमेज, इमेज तो रेटिना पर बनेगा, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है. लेंस के केस में वी जो है वो फिक्स्ड होता है 2.5 सेंटीमीटर. इसका फोकल लेंथ वेरिएबल होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरिएबल होता है. लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1/v - 1/u = 1/f. ये वी तो फिक्स्ड है, यू का वैल्यू चेंज होता है. यू का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, 26, 27, 28, इंफिनिटी. तो यू का वैल्यू अगर हम चेंज करें और एफ का वैल्यू भी चेंज करें तो ऐसा पॉसिबल है कि इमेज तो ऐसा पॉसिबल है कि इमेज हमेशा यहीं पर बने. तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप चेंज करिए और इसके फोकल लेंथ को भी चेंज करिए. एकोमोडेशन का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा या पावर कितना होगा, और ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो इसका पावर कितना होगा, यह हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इसका कैलकुलेशन देखो करके दिखाते हैं. ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है, इमेज इस रेटिना पर बन रहा है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा. ये लेंस फॉर्मूला है. फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखें, इमेज को 2.5 पर बन गए थे, तो वी के जगह पर 2.5, यू के जगह पर इंफिनिटी, 1/f, यानी f हो गया 2.5 सेंटीमीटर, और पावर हो जाएगा 1/2.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो -2, ऊपर गया 100/2.5 का मतलब 40 डायोमीटर. 2.5 कितना हो गया, 40 डायोमीटर. ये फर्स्ट केस हुआ. सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रखेंगे तब फोकल लेंथ कितना होगा, 1/v, तो 2.5 ही रहेगा, 1/u के जगह पर -25, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए निकाल रहे हैं, =1/f. तो इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए एफ कितना आएगा, पावर कितना आएगा. तो इसका कैलकुलेशन हो गया एलसीएम 25, 11, 1/f =11/25 सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर में है. मीटर इनवर्स में इसको लिखिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 44 डायोप्टर. 1/f पावर कहते हैं, तो पावर कितना हो गया, 44 डायोप्टर. ये जो लेंस है इस लेंस का पावर चेंज करता है 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर. एकोमोडेशन का मतलब आई अपने आप को कैसे एकोमोडेट कर सकता है. एकोमोडेट करने का मतलब एडजस्ट करना. तो आई अपने आप को एडजस्ट कर सकता है 44 डायोप्टर -40 डायोप्टर, मतलब 4 डायोप्टर तक. आई अपने पावर को एडजस्ट कर सकता है कितने तक, 4 डायोप्टर तक. तो आई का एकोमोडेशन कितना होता है, 4 डायोप्टर. अगर पूछे कि नॉर्मल आई का एकोमोडेशन कितना होता है तो आप कहेंगे 4 डायोप्टर. अब ये आई एकोमोडेट कैसे करता है, जब सिलियरी मसल जो है, ये सिलियरी मसल से कनेक्टेड है, तो जब सिलियरी मसल बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा,
तो उस समय ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सबसे ज्यादा होगा, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है का मतलब पावर सबसे कम है। जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो फोकल, जब इंफिनिटी पर रखा है तो पावर सबसे कम चाहिए, मतलब फोकल लेंथ सबसे ज्यादा चाहिए, और फोकल लेंथ सबसे ज्यादा चाहिए का मतलब रेडियस सबसे ज्यादा होगा, ये सिलियरी मसल रिलैक्स्ड होगा। इसलिए इस पोजीशन को रिलैक्स्ड विजन भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है और आप उसको देख रहे हैं तो उसको रिलैक्स्ड विजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलैक्स्ड विजन, क्योंकि उस समय आपका आंख रिलैक्स होता है। आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो तो 3-4-5 घंटा घूम सकते हो, आराम से बाहर रह सकते हो, देख सकते हो, सब चीज बड़ा एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर 5 घंटा लगातार पढ़ाई करो तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो डी पर होता है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। और यहां पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो ये सिलियरी मसल इसको सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए हुए रहता है, दबाए रहता है, क्योंकि यहां पर फोकल लेंथ सबसे कम रहता है। पावर सबसे ज्यादा है का मतलब फोकल लेंथ क्या है? सबसे कम है। फोकल लेंथ सबसे कम मतलब रेडियस सबसे कम। रेडियस सबसे कम कब होगा? जब इसको कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होगा। ये बिल्कुल कॉम्प्रेस्ड है ऐसे, तो ये कॉम्प्रेस्ड पोजीशन कब है? जब ऑब्जेक्ट यहां है। और रिलैक्स्ड पोजीशन कब है? जब ऑब्जेक्ट यहां है। तो सिलियरी मसल को सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए आंख जल्दी थक जाता है। इसे कहा जाता है कि हमेशा आधा घंटा या 45, जैसे आप जब मोबाइल देख रहे होते हैं, जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर मोबाइल पर आप देख रहे हैं, तो जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं उसको जब आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो उसको देखने में ज्यादा भार पड़ता है। लैपटॉप पर देखते हैं तो उसको कम भार पड़ता है, क्योंकि लैपटॉप का साइज बड़ा होता है, वो दूर रख करके आप देख सकते हैं। मोबाइल को बिल्कुल नजदीक, जितना नजदीक आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे आई उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा, उतना ही ज्यादा थकेगा। तो मोबाइल से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार में आधा घंटा, और अगर किताब कॉपी से पढ़ रहे हो तो एक बार में सवा घंटा, क्योंकि किताब कॉपी जो है दूर होता है। और अगर घूम रहे हो तो फिर तो 8-9-10 घंटा घूमो। तो इसको एकोमोडेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एकोमोडेशन। हम लोग कंप्लीट कर लिए और ये देख लिए कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है, और जब ऑब्जेक्ट सबसे नजदीक होता है आई के तो उस समय सबसे ज्यादा आई स्ट्रेंड होता है, उस पोजीशन को स्ट्रेंड विजन भी कहते हैं, स्ट्रेंड विजन। थैंक यू।